नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। तो आजसू ने अब बीजेपी को फाइनली अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, लगातार जब से झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से चुनावी रणनीति काफी तेज हो गई थी। लगातार वाद विवाद का दौर लगातार जारी था और तभी से एनडीए में सब कुछ ठीक करने की कवायद शुरू कर दी गई थी, लेकिन आखिरी टाइम तक एनडीए में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार कई दिनों से बीजेपी की तरफ से आजसू को मनाने की कवायद शुरू की थी, लेकिन अभी तक बीजेपी आजसू को नहीं मना पाया है। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि आज आजसू की तरफ से प्रेस वार्ता के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन प्रेस वार्ता के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने साफ कर दिया है कि सब कुछ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक बीजेपी आजसू को उसका मनचाहा सीट नहीं दे देती। इसके साथ ही आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 24 घंटे का अल्टीमेटम बीजेपी को दे दिया है। जी हां, आजसू सुप्रीमो ने प्रेस वार्ता के दौरान 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ बीजेपी को 17 उम्मीदवारों की सूची भी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 12 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी और ये 12 उम्मीदवार उनमें से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं उन सीटों पर उनकी घोषणा की गई है जिन सीटों पर उन 4 सीटों पर पहले भी बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुका है। तो वैसे उन 4 सीटों पर भी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसके बाद बीजेपी की सिर दर्द तेज हो गई थी। लगातार बैठकों का दौर चला, बावजूद इसके कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज बीजेपी की तरफ से कुछ बड़ा दावा हो सकता है, बड़ी घोषणाएं हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई है। और इसी बीच आजसू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आजसू ने कहा है कि अगर गठबंधन बचाना है तो हमें जो जो सीट चाहिए वो सीट हमें देनी होगी, नहीं तो आजसू एकला चलो की राह अपनाएगा। और इसी तहत आजसू ने 17 सूची बीजेपी को सौंप दी है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, यानी अगले 24 घंटे तक बीजेपी आजसू की बात नहीं मानती तो आजसू जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें एकला चलो की राह अपनाएगा और एनडीए से अलग हो जाएगा। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बी न्यूज के साथ। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अजय भारत परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का आभार। आपके प्यार ने हमें बनाया लोकप्रिय न्यूज चैनल और लोकप्रिय डिजिटल न्यूज नेटवर्क। टीवी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों तक पहुँचा अजय भारत। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मिला 10 करोड़ लोगों का प्यार। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भारत। तो फिर देर किस बात की, तो कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 7488051092 पर।